हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट एनालिसिस की, और इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि हमारा कल के लिए 4 मार्च के लिए हमारा क्या व्यू हो सकता है, और नेक्स्ट वीक के लिए, पूरे इस वीक के लिए हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है, जिन लेवल्स पर हम बाय और सेल साइड देखकर अपने काम कर सकते हैं, उन लेवल्स को देखकर हम इंट्राडे में काम कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे चैनल में आपको लर्निंग के साथ साथ आपको अर्निंग भी मिलेगी, आपको वहां पर फ्री में टिप्स भी मिलेंगे। लेकिन मैं यहां पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। अगर आप मेरे कोई भी फ्री टिप्स पे काम करते हो या मेरी एडवाइस पे कोई भी काम करते हो, तो वो रिस्क आपका अपना होगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और जो नए ट्रेडर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर रेगुलरली इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और साथ में अपना व्यू भी बताता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। बिकॉज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशन ट्रेडिंग के पर्पज से भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और कभी कभी बीच में मैं स्टॉक एनालिसिस भी करता रहता हूं। तो इसलिए आप वीडियो को मिस मत कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट का हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा आपको आज जल्दी जल्दी में बताऊंगा, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम खराब ना हो इसलिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि जो हमारी जो आज की जो कैंडल बनी है, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे नीचे की साइड हम गए थे, जो हमारा लो बना था वो करीब आपका लो बना था 28,755, तो वहां से हमने रिकवरी ली और ऊपर की साइड हमारी क्लोजिंग हुई। जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो आप देख पा रहे होंगे कि 29,240 पर क्लोजिंग हुई है, और 29,280 हमारा ही हाई बना है। इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि एक पिंक कलर की जो लाइन है, ये 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो बैंक निफ्टी का जो अभी करंट प्राइस है वो 200 डेज के काफी नीचे है। जो 200 का जो प्राइस है वो करीब है 30,100, तो अभी हम उसके काफी नीचे हैं। तो एक तरह का हम अभी बेरिश जोन में ही, अगर हम 200 के डेज के नीचे है तो हम बेरिश ट्रेंड में है। तो अब जो ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन देख पा रहे होंगे, ये स्पॉट लाइन है, और जो ब्लू कलर की लाइन है ये रेजिस्टेंस लेवल्स है। मैं 1-to-1 इनका डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमारा सबसे पहले जो सपोर्ट का लेवल है, जिस लेवल से कल मंडे को भी हमारा वहां पे टच करके वापस गया था बैंक निफ्टी, तो वो लेवल है जो आपका ये देखिए करीब ये 28,670। देखिए आप यहां से इसने काफी बार इस लेवल की रिस्पेक्ट की है, यहां से पहले भी एक बार रिस्पेक्ट करके ऊपर गया था, और जब ये नीचे ब्रेक किया तो नीचे भी हम देखने को मिले थे। तो जो ये हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है, ये 28,670, तो इस लेवल को आप वॉच करके रखिए। मीन जो हमारा जो मंडे का जो कल वाला, इससे पहले जो हमारा जो लो था, अगर उसके नीचे हम ब्रेक होते बैंक निफ्टी में, तो हम और भी ज्यादा नीचे की साइड जा सकते हैं। तो नीचे की साइड जो हमारा और भी सपोर्ट का लेवल है, दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है वो है आपका 27,800। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए यहाँ पर ये लेवल मैंने यहां से लिया, इसने यहां भी पहले एक बार इस लेवल को टच किया था, जब ये नीचे से बैंक निफ्टी चल रहा था, तो नीचे से फिर इसने नीचे गया था, और फिर यहाँ भी इस लेवल पर भी काफी बार ये कंसोलिडेशन होता रहा। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 27,800। और उसके बाद जो हमारा जब रिसेंटली लो बने थे वो लेवल है 26,650। तो हमारा फर्स्ट जो है 28,670, 27,800, और जो थर्ड है 26,650। तो ये आप तीन स्पोर्ट के लेवल जरूर वॉच करके रखना, ध्यान रखना आप इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में आप देख पा रहे हो कि आजकल काफी मूवमेंट बहुत फास्ट हो रही है, काफी ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपने इन लेवल का ध्यान रखना कि जब ये ब्रोक होते हैं तो आप उसी टाइम अपनी सेल साइड में पोजिशन बना सकते हो, और अगर इनकेस अगर आपने सेल साइड पोजिशन नहीं बनाई हुई और यहां से रिवर्स होता है, तो वहां से फिर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि अभी जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है
वो आप देखिए फर्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है 29600, तो 29600 और अभी जो चल रहा है 29240, तो जब तक हम 29600 के पार नहीं जाते, उसको क्रॉस करके हमारी क्लोजिंग 29600 के ऊपर जब तक हमारी क्लोजिंग नहीं होती, तब तक हम ऊपर की जर्नी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। तो क्लोजिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि टच हो गए, क्योंकि टच होके अगर आप वहां 29600 पे जाते हैं तो वहां पर आपको इंट्राडे में सेल साइड में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वो इंट्राडे में आपको कैंडल देखनी होती है कि क्या वहां पर सेल साइड में कैंडल बन रही है, कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर अगर आप बाइंग साइड में चल रहे हो, अगर आपने आज बाइंग किया है, तो आप एक बार अपने 29600 के पास अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि वहां से हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो हो सकता है या फिर वहां पे फ्रेश सेलिंग भी आ सकती है। क्योंकि अगर हमारी क्लोजिंग अगर 29600 के ऊपर मिलती है तो हम हमारी ऊपर की साइड जो जर्नी स्टार्ट होगी, जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है वो है 30200 का, तो वहां पर हम 30200 के तक जा सकते हैं। और जब 30200 के ऊपर जाएंगे तब फिर हमारा एक बेरिश और सॉरी बुलिश हमारा ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, अगर हम 30200 के ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अभी उसको जो मार्केट के हालात हैं अभी उसको देखकर लगता नहीं है कि हम 30200 के ऊपर इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी आपको दिखा देता हूं कि हमारा जो ट्रेंड लाइन के साथ मैं आपको दिखा देता हूं कि ट्रेंड लाइन हमारी क्या बोलती है, तो सेटअप भी आप जरूर देखिए। दोस्तों अब चलते हैं हम अगले बैंक निफ्टी के सेटअप के डेली के चार्ट में। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कैसे बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये तो मैंने आपसे पहले भी कई बार डिस्कस किया कि जो ये पहले जो जो बैंक निफ्टी जब अप ट्रेंड में चल रहा था तब ये एक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, और लेकिन जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकला तब मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, और वही हमें देखने को मिला। तो जैसे ही फिर ये इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकला, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये फिर हमने इस जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो इस ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। इस ट्रेंड लाइन को ये चलता गया, लेकिन जब बैंक निफ्टी ने इसको फिर ब्रेक कर दिया था तब सभी को लगा कि ये फिर से कहीं दोबारा मतलब बैंक निफ्टी अब ट्रेंड में स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए जब ये फर्स्ट अब मूव आया था और उसके बाद से फिर से हमारा ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस ट्रेंड लाइन का इसलिए ये पर्पस बता रहा हूं कि अभी जो इसने रिस्पेक्ट किया, क्योंकि पहले जब ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस लेवल्स का काम कर रही थी, तो अब जब इस हम ट्रेंड लाइन के बाहर निकल चुके हैं, इसके बाहर हम जब ट्रेड कर रहे हैं, तो इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी किया। यहाँ पर इस रिस्पेक्ट करके इसने इसको टच करके इसको फिर से ऊपर की साइड गया। तो आपने जब भी मतलब इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो या फिर आप वीकली पोजीशन में आपने पोजीशन कैरी की है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को जरूर फॉलो कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। क्योंकि अगर हम इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकल जाते हैं तो हम और भी ज्यादा बेरिश ट्रेंड में आ जाएंगे, मतलब हमारा जो बैंक निफ्टी है काफी और भी डाउन साइड जा सकता है अगर हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गए, तो फिर हम इस वाले पहले वाले में हम चैनल में आ जाएंगे और हमारा बेरिश ट्रेंड और भी ज्यादा हो जाएगा। और जो आप ब्लू कलर की जो ट्रेंड लाइन देख पा रहे होंगे, ये एक स्मॉल ट्रेंड शो कर रहा है कि अगर हम ऊपर की साइड चढ़ना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस लेवल्स फेस करने को मिल सकता है, जैसा कि जो आज की डेट में जो है वो है, उसमें भी वही 29600 का दिखा रहा है कि अगर इनकेस कल कैंडल हमारी ऊपर की तरफ एकदम जाती है, फास्ट मूवमेंट आती है, तो कल की डेट में हमारा 29960, तो ये 29960 आपका दिखा रहा है कि वहां तक हम ट्रेंड लाइन में अगर जाते हैं तो वहां पर हमें एक रेजिस्टेंस लेवल मिल सकता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को इसके ऊपर हम, और जब इसके ऊपर हम चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, इस ब्लू ट्रेंड लाइन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या हम बुलिश ट्रेंड में आ गए हैं नहीं आ गए, तो वहां पर हम, तो प्लीज आप इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से वॉच कीजिए और इस ट्रेंड लाइन को भी अच्छे से वॉच कीजिए, क्योंकि अभी इन दोनों जो ट्रेंड लाइन है, इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, तो अगर ये फर्दर ऐसे ही चढ़ना स्टार्ट होता है तो हमें ऐसे ही इसमें हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके बाहर चला गया तो हमें बहुत ज्यादा फिर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और अगर हम आरएसए की डिस्कस करें तो आरएसए जो आज की डेट में है वो अभी 30 के पास है,
तो आरएसई भी अभी काफी ओवरसोल्ड जोन में है। तो आरएसई अगर जब 40 के ऊपर चलना स्टार्ट होगा थोड़ा, तो हम थोड़ा सा हमें लगेगा, लेकिन जो क्लियरली जो मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों कि वो 50 के ऊपर ही हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है, और जब तक हम 50 के नीचे हैं तब तक हमें एक बीयर ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। तो मेरी बैंक निफ्टी में ये व्यू है, कल के लिए भी ये व्यू है कि जो मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स पर अगर आपने बाइंग कर रखी है तो उन लेवल पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, लेकिन अगर आपने फ्रेश सेलिंग करना चाहते हैं तो उन लेवल के पास ही आप कैंडल को देखकर अपनी सेलिंग कीजिए, क्योंकि आपको अभी क्या है कि आपको बाइंग में ट्रैप नहीं होना है, आपको सेलिंग के मौके देखने हैं कि सेलिंग कब हमें ऊपर की साइड से कब हमें सेलिंग देखने को मिले, कब रेजिस्टेंस लेवल्स के पास से हमें रेजिस्टेंस लेवल्स के पास से हमें सेलिंग देखने को मिले, तो वहां से अपनी आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए ना कि आप बाइंग की, क्योंकि अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखोगे तो आपका लॉस बढ़ने के चांसेस रहेंगे, सेल की अपॉर्चुनिटी काफी देखेंगी, बार बार सेल के सिग्नल आपको देखेंगे, तो आप इसमें अच्छे से वॉच कीजिए। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, हम निफ्टी का भी एक छोटे में ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं हम निफ्टी 50 के डेली के चार्ट में भी। निफ्टी 50 में आप देख पा रहे होंगे कि जो 200 मूविंग एवरेज का प्राइस है वो अभी काफी दूर है, वो 11700 के पास है, तो जो हमारी जो आज क्लोजिंग है वो 11329 के पास हुई है, तो हम अभी उससे काफी दूर है, और जो हमारा निफ्टी का सपोर्ट का लेवल है वो जो नियरेस्ट सपोर्ट का लेवल है वो 11140 का जो सपोर्ट का लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल है 11400। तो जब तक हम 11400 के ऊपर नहीं जाते तब तक आपने बुलिश ट्रेंड में नहीं आना है, और उससे जब तक 11400 के नीचे है तब तक हम एक डाउन ट्रेंड में ही है, मतलब बीरिश जोन में ही है, आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है 11400 के पास, और 11400 के इन केस अगर हमारी ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तब हम एक शॉर्ट टाइम के लिए 11600 तक जा सकते हैं। 11600 एक काफी रेजिस्टेंस, काफी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, तो उस लेवल्स को भी आप अच्छे से वॉच कीजिए। तो आज की डेट में अगर हम निफ्टी में की बात करें तो निफ्टी में भी हमारा सेम व्यू है कि 11400 के पास अपने प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और फ्रेश सेलिंग करनी है तो यहीं पर कीजिए, क्योंकि अगर हम इसके और अगर हम नीचे यहाँ से सेल कर रहे हैं और 11100 के आसपास हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और 11100 और 11000 के अगर लेवल टूटते हैं दोस्तों तब हमें नीचे के 10500 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड कीजिए आप अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न को समझिए और अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि आजकल मार्केट काफी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, ऐसा ना हो कि आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और आप अपने जो कैपिटल है वो काफी लॉस में कर दें, तो इसलिए आप ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, अपनी कम लॉट साइज में ही ट्रेड कीजिए और अपनी कैपिटल के हिसाब से ट्रेड कीजिए, और स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, यह नहीं कि आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस रखोगे तो लॉस कम होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, तो अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में मैं ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप अगर आप कोई भी अपनी पोजीशन बनाते हैं तो अपनी सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए और अपना आप और अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।